ओके तो मुझे तो आपको परसेंट का मीनिंग पता है? परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज मतलब अपॉन 100 होता है, मतलब उसका मीनिंग 100 होता है। इसका मीनिंग 100 होता है। मैंने आपको बताया था पहले, मैंने पहले बताया था कि बताया था एक है परसेंटेज में तीन चीजें हैं। हंड्रेड हंड्रेड ये तो मैंने आपको बता दिया। ध्यान है या नहीं है? तो ए ध्यान अपॉन 100 हो जाएगी। पर का मतलब लेगा। तो एक मिनट बता रही हूँ। सर 2/25 नहीं, सॉल्व में करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपसे बोला लिखने का जो लॉजिक था वो आपको लॉजिक समझ आया? जैसे 8% को 8/20 को लिखते हैं, 8 का मतलब 8, इस पर का मतलब डिवाइड, और सेंट का मतलब 100। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हाँ बस ये समझा था। अब बुक में क्या दिया, डिस्क्रिप्शन क्या दिया, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, वो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है। अब मैं आपको क्या करूँगा, मैंने सुबह इसमें डिफाइन की थी क्वेश्चन देखे थे कि आपकी जो एक्सरसाइज ए है, आपकी जो एक्सरसाइज ए है उसमें किस डिफर मीनिंग ऑफ परसेंटेज, मीनिंग ऑफ परसेंटेज पता है, तो मीनिंग पता है तो आपको कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। आपकी वॉइस कटक के आ रही है। अब वो नेटवर्क इशू हो सकता है ना, बारिश हो रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं चैप्टर में आपको क्या करूंगा, तो टॉपिक मैंने डिफाइन किए हैं उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर आपको परसेंटेज का मीनिंग हो जाता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर फोर आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 दिए हैं वो आपके हो जाएंगे, कब हो जाएंगे अगर आपको मीनिंग ऑफ परसेंटेज पता हो। इसी तरह से अगर आपको एक ही टॉपिक है, ये क्या टॉपिक है मैं बताऊंगा, ये टॉपिक है, अगर ये टॉपिक समझो तो सभी आपको अगर आप चेंज इन परसेंटेज समझते, चेंज इन परसेंटेज, तो चेंज इन परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 10, 19, 20। एक इसके अंदर आपके बुक में क्वेश्चन दिया है डेप्रिसिएशन का, डेप शॉर्ट में बोलते हैं, डेप शॉर्ट में बोलते हैं, डेप डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में बोलते हैं डेप। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है आपकी बुक में। और एक कैटेगरी मैंने आपको नोट कुछ नहीं करना है, मैं नोट करूंगा, एक कैटेगरी आपके बुक में बनेगी मिसलेनियस, अलग अलग तरीके लगेंगे तो हम डाल देंगे अलग कैटेगरी में मिसलेनियस। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस बार कैटेगरी तो नहीं है सीखने हैं, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है, एक कैटेगरी 5 है, ठीक है। कैटेगरी 1 से स्टार्ट करते हैं, कैटेगरी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक हेडिंग लिख लो मिनिमम ऑफ परसेंटेज, एक हेडिंग लिख लो मिनिमम ऑफ परसेंटेज, लिख लो वहाँ पर 1, हेडिंग डाल लेना 1, टॉपिक 1 करके, केस 1 करके, कुछ भी उसमें टॉपिक 1 वहाँ पर लिखो हेडिंग मिनिमम ऑफ परसेंटेज, मिनिमम ऑफ परसेंटेज।
और मैं इसकी आपको ऐसे लिख के भेज दूँ, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो आवाज़ आपकी क्रैक होके आती है। हाँ तो जहाँ तक बोल देता हूँ, बोल देता हूँ, देखता नहीं मैं। आप कहाँ से बोल रहे हो? अब मेरी मैं पसंद ना देखो। पसंद है ना? फ्रैक्शन परसेंटेज किसका फ्रैक्शन? सर आप तो टाइप करके भेज दो यार। नहीं टाइप नहीं कर रहा, टाइप नहीं कर रहा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप अपना माइक ऑफ कर लो। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, टाइप ही कर दूँ दोनों साथ साथ। मीनिंग ऑफ PER, PER, PN, परसेंटेज है ना, परसेंटेज मीनिंग ऑफ परसेंटेज आपको मैंने हेडिंग लिखवाई थी, ठीक है। आप चाहो तो बीच में एक सिंबल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको लिखवा रहा था क्या, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, इज अ फ्रैक्शन whose denominator is 100, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा हमेशा 100 होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा परसेंट 100 होगा। इसको लिखा कैसे आता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज बिलो। अब नीचे मैं लिख रहा हूँ लिखा जाता है परसेंटेज लिखा कैसे आता है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा। न्यूमरेटर है यहाँ पर, कोई न्यूमरेटर है और डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय हमेशा क्या डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 तो क्या लिखा जाता है 100, ठीक है। अब तुम यहाँ आप यहाँ पर लिख लेना n मतलब एनी नंबर, n मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। अब लिखो, अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर समझना। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो एक इसी के अंदर हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग तो हमने चली गई है, फर्स्ट के अंदर आप अपनी एक न्यू हेडिंग बनाओ ए करके, इंटरप्रिटेशन प्रिटेशन ऑफ सच फ्रैक्शन। ये जो ऊपर फ्रैक्शन लिखा है हमने, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये जो ऊपर फ्रैक्शन जो हमने लिखा है परसेंटेज वाला फ्रैक्शन जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये जो सच लिखा ना, सच मतलब परसेंटेज वाला फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज वाला जो फ्रैक्शन है ना, इस परसेंटेज वाले फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, इंटरप्रिटेशन मतलब हाउ टू रीड दैट, उसको तो लिखो हेड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर नहीं बोले लिखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हेड डिनोमिनेटर टेल्स अस टोटैलिटी, अबाउट टोटैलिटी, ठीक है, टोटैलिटी, टोटैलिटी मतलब क्या आपको दिखाई कर भी दे रहा होगा, मैं छोटा भी कर दूँ तो
का टोटल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स इट सर इन अदर वर्ड्स होता है। हाँ अरे ऑन लिख दिया मैंने, सॉरी। इन अदर वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स अस अबाउट टोटल QUANTITY टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हो गया डिनोमिनेटर, ये तो हो गया डिनोमिनेटर। अब लिखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टेल्स अस अबाउट न्यूमरेटर इज is a definite defined quantity, defined quantity. Numerator is a defined quantity. ठीक है, in other words it is not a, it is not a टोटल क्वांटिटी, इट इज नॉट टोटल क्वांटिटी। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा सर, पूरा पूरा क्लियर नहीं हुआ तो बताना पूरा पूरा कैसे पढ़ा जाएगा। एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल में अभी मीनिंग सिखा रहा हूँ कि जैसे कि एक एक पर्सन मेरे पास क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग मीनिंग ऑफ 25%। अब कहीं पे आपने, कहीं पे किसी ने ऐसा पूछ लिया कि बताओ आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो, तो बताओ परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो आपने बोला परसेंटेज, उसने बोला 25% का मीनिंग बताओ, 25% का मीनिंग बताओ। सर 25% का मीनिंग तो पता नहीं सर, रियल लाइफ में कोई पूछेगा ऐसे? हाँ, सपोज करो आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने गए, आपने पूछा भैया डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो उसने बोला आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप बोलोगे 25% है, तो परसेंटेज हम पढ़ के आए हैं, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है वहाँ पर? उस 25% का जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस परसेंटेज का मीनिंग क्या है? अगर आपको परसेंटेज का मीनिंग पता होगा तो आप डिस्काउंट यूज कर पाओगे अच्छे से, नहीं तो फिर आपको बेवकूफ बना के भेज देगा। तो 25% का मीनिंग क्या है? तो लिखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका बेसिकली है। तो पहले तो इसको लिखो, तो इसको सॉल्यूशन समझने से पहले तो इसको लिखो प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। तो 25% को लिखो पहले, 25% का मीनिंग क्या है? चलो 25% को लिखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का उसमें फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने क्या बताया था परसेंटेज क्या, परसेंटेज फ्रैक्शन है, तो इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो उसको पहले। तो अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो तो ये कैसे लिखा जाएगा, 25% ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है।
अब देखो इसका मीनिंग क्या है। न्यूमरेटर मतलब 25 जो आपको 25 है वो न्यूमरेटर है आपका यहाँ पे न्यूमरेटर इज इज न्यूमरेटर इज 25 एंड 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 डिनोमिनेटर इज 100। नहीं यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। माइक ऑन करके बताओ। नो सर। ठीक है ठीक है सर, मेरे को एक चीज और पूछनी है। हाँ इंटरप्रिटेशन मतलब हाउ टू मेक क्या? हाउ टू रीड। हाउ टू रीड इंटरप्रिटेशन मतलब होता है हाउ टू रीड। इंटरप्रिटेशन मतलब हाउ टू रीड। तो मैं बता दूं कि फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं, जो परसेंटेज वाले जो फ्रैक्शन होते हैं उनको पढ़ते कैसे, उनका मीनिंग कैसे पता करते हैं। सर अगर हमें जैसे ये 25% का आंसर चाहिए तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि परसेंट और 25%। नहीं नहीं अभी नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मैं आपको समझाना पड़ेगा, उसको समझो फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा सर ये क्या समझा रहा है, ये न्यूमरेटर का क्या मीनिंग है और डिनोमिनेटर का क्या मीनिंग है। तो न्यूमरेटर मतलब क्या था, न्यूमरेटर मतलब क्या था, डिफाइंड क्वांटिटी। तो 25 डिफाइंड है ठीक है, और सर जो न्यूमरेटर है ये टोटल क्वांटिटी नहीं है। सर न्यूमरेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर टोटल क्वांटिटी नहीं है, ये टोटल नहीं है। और सर कुछ भी नंबर हो सकता है पर ये टोटल क्वांटिटी नहीं है ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर टोटलिटी के बारे में बताता है, यानी ये टोटल क्वांटिटी होता है, यानी टोटल क्वांटिटी होता है। तो सर हमें यानी कि हम इसको क्या पता है क्या पढ़ेंगे, इसको हम ये पढ़ेंगे 25 out of 100। इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, 25 out of इसको क्या पढ़ाया था फ्रैक्शन को, आउट ऑफ। आउट ऑफ क्यों पढ़ते हैं, आउट ऑफ क्यों पढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि आउट ऑफ तो लिखा नहीं मैंने, सॉरी आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 क्यों बोलते हैं, आउट ऑफ मतलब क्या, आउट ऑफ आउट मतलब उसमें से 25, 100 में से, 100 में से 25 नंबर आपको मिले तो क्या टीचर कैसे लिख के देते हैं, 25/100 ही तो लिख के देंगे। अगर आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे तो टीचर क्या लिख के देंगे, 25 out of 100। तो 25 out of 100 को कैसे लिखेंगे, 25/100। तो 100 क्या होता है सर, वो मतलब जो आउट ऑफ, आउट ऑफ जो भी होता है, आउट ऑफ जो भी होता है, आउट ऑफ के बाद वाला जो भी एरिया होता है, आउट ऑफ के बाद वाला जो भी एरिया होता है ये क्या बताता है, टोटलिटी। कि टोटल इतने में से आपको मार्क्स मिलेंगे, 25 out of 100 लिखा हुआ, तो 100 जो था वो टोटल क्वांटिटी थी ना, टोटल मार्क्स। कि टोटल आपके मार्क्स 100 हो सकते हैं, 100 में से आपको कितने मिल रहे हैं, 100 में से कितने मिल रहे हैं। और सर जो आउट ऑफ से पहले वाला एरिया होता था, आउट ऑफ से पहले वाला ये होता था डिफाइंड क्वांटिटी, डिफाइंड कि आपको टोटल तो 100 था, टोटल तो 100 मार्क्स का पेपर था, लेकिन 100 में से आपको मिले कितने, डिफाइंड आपको अलॉट कितने हुए, आपको मिले कितने। तो उसको ऐसे पढ़ाया, तो उसको कैसे पढ़ाया जाता है, इस तरह से इसको पढ़ा कैसे, 25 out of 100। और ये पढ़ने का जो तरीका है, ये फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका 25 out of 100। अब मैं बोलूँ कि 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, तो 25% डिस्काउंट का मीनिंग पता है क्या हो जाएगा, कि आउट ऑफ 100 रुपीज, आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज शॉपिंग, आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज शॉपिंग, अगर आप 100 रुपीज की शॉपिंग करते हो, अगर आप 100 रुपीज की शॉपिंग करते हो तो 100 रुपीज की शॉपिंग पर आपको 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, यानी यू विल गेट 25 रुपीज डिस्काउंट, यू विल गेट 25 रुपीज डिस्काउंट आउट ऑफ 100 रुपीज शॉपिंग, यू विल गेट 25 रुपीज डिस्काउंट आउट ऑफ 100 रुपीज शॉपिंग। अगर आप 100 रुपीज के डिस्काउंट शॉपिंग करते हो तब जाकर आपको 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, ये मीनिंग होता है परसेंटेज का, ये मीनिंग होता है परसेंटेज का, कि आउट ऑफ 100, कि आउट ऑफ 100, कि 100 में से आपको क्यों कितना मिलेगा, 100 में से कितना, 100 में से कितना, ये होता है परसेंटेज का मीनिंग हिंदी में, परसेंटेज में से कितना, 100 में से कितना। सर 100 में से क्यों देखते हैं, 100 में से क्यों देखते हैं, तो मैंने परसेंटेज का मीनिंग क्या बताया था, कि सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मीनिंग तो आपको पता है, मैंने लिखवाया नहीं है, सेंट का मीनिंग होता ही क्या है, 100, इसलिए हम 100 में से ही देखते हैं, इसलिए हम टोटल 100 मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, इसलिए हम 100 को टोटल क्वांटिटी मान के चलते हैं, क्योंकि सेंट का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं है, आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं ध्यान दे तो,
वैसे आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ये तरीका होता है पढ़ने का। सर ये पढ़ने का तरीका क्यों बताया? ये पढ़ने का तरीका मैं इसलिए बताया हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ना थ्योरी वाले, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें तरीका जरूरी होता है, उसमें तरीका जरूरी होता है। सर जैसे कि ये बताओ, एक एग्जाम्पल तो ये मैं ले लिया, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखो, एक एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं आपको। हाँ लिख लो, एक और लिख लो, एक एग्जाम्पल और मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, लिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। यू गो फॉर अ शॉपिंग एंड देयर अ शॉपकीपर ऑफर्स यू 25, 25 के दूसरे नंबर है, 20 10% लेते हैं, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट ठीक है। सभी सुझाव कोई बात नहीं, अरे पी रह गए यहाँ पे। हेयर व्हाट डज इट मीन बाय 25% डिस्काउंट? सर 25% डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? तो सिंपल सा तरीका पता करने का, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? सर पहले तो इसको फ्रैक्शन देखो, 25 10% है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इस 10% को फ्रैक्शन लिखो। तो जब 10% को फ्रैक्शन लिखोगे तो आप क्या देखोगे, 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 बाय 100। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, आउट ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका होता है आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 100। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ की शॉपिंग कर दो तब जाकर आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू शॉपिंग, इफ यू वो क्या कहते हैं, अगर आप 100 रुपये की शॉपिंग करोगे तो जबकि आपको 110 रुपीज़ का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो मीनिंग के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि तो परसेंटेज क्या है, एक फ्रैक्शन है, मैंने आपको बताया था। ये क्या है, 10% ठीक है। आपकी हाथ स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सॉल्व कर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, 10% लिख दिया मैंने, अब इसका मीनिंग क्या है? हेयर 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब क्या, आउट ऑफ 100 मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स डिस्काउंट ऑफ ₹10 आउट ऑफ परचेज का मीनिंग पता है ना, आउट ऑफ परचेज ऑफ ₹100। इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट ऑफ ₹10 आउट ऑफ परचेज ऑफ ₹100। शॉपिंग करते हो, ₹100 की शॉपिंग करते हो, अगर आप ₹100 की परचेज करते हो, ₹100 की चीज खरीदते हो, तब जाकर आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, तब जाकर आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो 100 रुपीज़ पे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 250, अगर ये तो 100 ही तो परसेंट का मीनिंग हो गया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज है तो परसेंटेज आता है 100 रुपये के बारे में, बात करते हैं 100 के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने 250 की शॉपिंग की, फिर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं बोलूँ कि आप शॉपिंग 100 रुपये की करके नहीं आते, 100 रुपये की करके आते तो 10 रुपये मिलते हैं, अगर आप 200 की करके आओगे तो कितना मिलेगा, अगर आप 200 का करके आओगे तो कितना मिलेगा? तो सिंपल सा है, इस परसेंटेज तो आपका एक क्वेश्चन है, पूछता हूँ एक और एग्जाम्पल लिखो।
आपको पहले तो यहाँ तक क्लियर करना चीजें। ऊपर वाला एग्जांपल अब आप वो कॉपी करता हूँ, सेव एज अब आप एग्जांपल, सेव एज सेम एज अब आप एग्जांपल, यानी सारा कंटेंट सेम है। आप एक दुकान पर जाते हो शॉपिंग के लिए, और वहाँ पे एक शॉपिंग के ऊपर आपको 10% का ऑफर देता है, 10% डिस्काउंट का क्या देता है, ऑफर देता है, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, यू परचेज्ड अ टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर फॉर रुपीज 200, स्क्वायर फीट 200। सर आपने शॉपिंग जो की वो 200 रुपीज की, आपने शॉपिंग की वो कितने रुपीज की, 200 रुपीज की। Then, how much discount you will get in terms of rupees? रुपीज के टर्म्स में आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, रुपीज के टर्म्स में आपको कितना डिस्काउंट है सर, परसेंटेज के टर्म्स में 25%, वो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, परसेंटेज के टर्म्स में देखा है तो 10% ही मिलेगा, लेकिन 10% ऑफ किसका मिलेगा, 200 का। अब 10% किसका मिलेगा, 200 का, 10% किसका मिलेगा, 2%। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, इन दिस केस, हाँ हेलो हेलो, हाँ सर आपकी वॉइस पहले आई थी, आप क्या कहते थे, मैं कह रहा हूँ कि हम सारे डेटा ऊपर वाला कॉपी रखते हैं, जो ऊपर एग्जांपल में दिया है मैंने, शॉपिंग वगैरह की कंडीशन तो सारी सेम है, बस हमें कि अब जो आप शॉपिंग करते हो ना, शॉपिंग का मैंने प्राइस बता दिया कि आप 200 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो, तो 200 रुपीज़ की शॉपिंग करते हो तो अब ये बताओ कि आपको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं पूछूँ टर्म्स ऑफ रुपीज़, परसेंटेज के टर्म्स में तो आपको पता है सर, परसेंटेज के टर्म्स में तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, पर 10% का नहीं चाहिए, पर मुझे 10% मतलब आपको अगर डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट 10% ही मिलेगा, लेकिन ये तो परसेंटेज के टर्म्स में है, मैं सब चाहता हूँ कि रुपीज तो रुपीज, कितने रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितने रुपये का मिलेगा, सिंपल सा सर, 10% ऑफ 200, 200 का 10% निकाल लो तो आपको डिस्काउंट के टर्म्स में मिलेगा। यू विल गेट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ऑन रुपीज 200। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेशन आपको पता ही है कि नहीं पता सर, निकालो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 10% ऑफ 200 सर, इसको कैसे निकालोगे, 10 इसको कैसे निकालोगे, अब इसको कैसे निकालोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व आप करोगे ऐसे, 10 का 10, सॉरी ठीक है, पर का पर, सेंट का सेंट, ऑफ का मल्टीप्लाई, 200 का 200, 20 से 20 कैंसिल, सर 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नीचे ऊपर 10 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका डिस्काउंट क्या आ गया, आपको टोटल डिस्काउंट कितना आ गया, 20 रुपीज़। चैट बॉक्स में भेजिए 20 आंसर, हाँ बस ये आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस, तो पहले मैं ये वाले क्वेश्चंस आपसे करवाना चाहता हूँ, ये वाले, इतना आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया, अच्छा ये आपका, अच्छा ये आपने लिखा है, ये जो लिखा हुआ है, हाँ सर ये रब हो सकता है, आप इरेज करके देख सकते हो, अच्छा मुझे इरेज करना नहीं आता ना, ये तो दिक्कत है, हाँ इरेज हो सकता है, चैट वाला, ये वाला पेन वाला, हाँ पेन वाला साइन जो है वहाँ पे अरेज ऑप्शन है सर, अच्छा यहाँ पे मैं, अच्छा मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी लिख सकता हूँ क्या, मेरे को लेकिन दिख नहीं रहा है, आपका दिखता नहीं है, अच्छा अच्छा चलिए आपने मुझे अच्छा सिखाया,
रुको मैं इसको हटा दूँ पहले, ठीक तो है। कल भी क्लास लोगे आप? नहीं नहीं आज ही लूँगा, आज मैंने उससे लीव लिया था, मेरी आँखों में दर्द हो रहा था इसलिए। ठीक है अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चन ये अपने एग्जांपल तो लिख लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन, अब ये मैंने पहला मेन पहला टॉपिक कराया मीनिंग, अब इस मीनिंग ही मीनिंग के ऊपर पता है कितने सारे क्वेश्चन हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कितने सारे क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी तीन तरह के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल्स पे बाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल सा बोल रहा है, सॉल्व करो ये, मैं सॉल्व करो कर ये, दूं? एक क्वेश्चन करना है केवल, एक वन वाला। कौन हाँ एक करना है, थोड़ा धीरे धीरे करना पर सही करना, गलत मत करना जल्दी के चक्कर में। ठीक है बिल्कुल सही है आपका। तो तो सेकंड समझ, वाला भी करना है? नहीं नहीं आप समझ जाओ सेकंड वाले को क्या कर रहे हैं, आप समझ जाओ, समझदार हो आप। सेकंड वाला आपका होमवर्क है, सेकंड वाला आपका क्या चीज पूछनी? हाँ तो जैसे देखो मेरा ये एक चैप्टर है कंप्यूटर में फर्स्ट अटेम्प्ट जा रहा है, उसमें मतलब वो जावा लिखने को नहीं आएगी, एमसीक्यू टाइप ही आएंगे क्वेश्चंस, तो वो चैप्टर आप पढ़ा सकते हो? एमसीक्यू आएगा, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो मैं आपको करा दूंगा, अगर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं आपको करा दूंगा। तो उसमें बस वही एक पार्ट दिया, मतलब जैसे क्या कहते हैं कुछ, और बस एक फॉर्मेट दिया है वही वाला जावा का बस। हाँ तो देख लूंगा मैं उसको, अभी हम ज्वाला कर लें।
ठीक है, अब एक थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको करने का तरीका क्या है? आपको भी सही, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, कुछ अजीब तरीका नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। सर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो मतलब क्या? इसको एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस करो। सर एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस करो मतलब बताता हूँ मैं क्या है, आप रीड करो एक बार ज़्यादा क्वेश्चन, जब तक मैं वो लैपटॉप को कनेक्ट करूँ चार्जर से। 45 is what percent of 54? 45 is what percent of 54? हम इसको मान लें सब वॉट को हम एक्स मान लें, वॉट को हम क्या मान लें, एक्स मान लें। 100 भी तो ले सकते पर नहीं नहीं में। नहीं नहीं पर 100 तो टोटल वैल्यू होती है, 100 तो टोटल वैल्यू होती है, और मैं जब भी एज्यूम करने का करता हूँ तो हम वेरिएबल एज्यूम करवाने के लिए बोलता हूँ मैं। अगर आप 100 वगैरह लिखोगे, 100, 10, 1000 तो लिख सकते हो, लेकिन फिर हमें इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। तो एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर क्यों लाएं? आप चाहते हो कि मैं इसी के साथ यूनिटरी मेथड भी इसमें कनेक्ट करूँ? अगर आपको 100 लिखोगे तो 100 के लिए फिर आपको यूनिटरी मेथड भी लगाना पड़ेगा। याद है आपको मुझे यूनिटरी मेथड कर लेते हैं, एक्स वाला तरीका यूज किया। तो मैंने वॉट को मान लिया एक्स, मैंने इसको क्या मान लिया एक्स परसेंट कि 45 इज एक्स परसेंट ऑफ 54, 45 इज एक्स परसेंट ऑफ 45 इज एक्स परसेंट ऑफ 54। तो बस इसको सिंपल सा लिखो ज़्यादा कैसे सर, तो 45 मतलब 45, ठीक है। तो इज मतलब क्या होता है अलजेब्रा मैथ में, इज इक्वल सर व्हाट को हमने एक्स परसेंट मान लिया, एक्स परसेंट को परसेंट है सिर्फ एक्स बाय 100, ऑफ मतलब इनटू अब 54 मतलब 54, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? क्या x अपॉन 100 किया है? हाँ x परसेंट को कैसे लोगे, x परसेंट पर x परसेंट, तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है, नहीं आता ये वाला? हाँ सर ऑफ कोर्स इजी हो गया, इजी हो गया। तो बस लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ना है और कर लेना है, बहुत इजी है। इसको सॉल्व करके जरा बताओ क्या आंसर आता है। थोड़ा गंदा आंसर आएगा पर कोई बात नहीं, करो जो ही गंदा ही आंसर आ रहा है। आप डेसिमल डेसिमल सॉल्व करें, डेसिमल में दो प्लेस तक जाना, केवल डेसिमल में दो प्लेस तक सॉल्व करना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, बुक में तो लिखा नहीं है कि डेसिमल में दो प्लेस तक सॉल्व करना है। तो ये इम्प्लाइड होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए करें तो डेसिमल में सॉल्व होता रहो, तो ज्यादा से ज्यादा दो प्लेस तक सॉल्व किया करो। नहीं छोड़ो ये, पहले सॉल्व करो ये एग्जांपल, मैंने बोला छोड़ दो इस बात को, कुछ अलग केस है यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या होगा 45 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54, फिर 54 को आपने इस साइड भेजा होगा, तो यहाँ पर जो होगा 4500 डिवाइडेड बाय फिर ये 54, डिवाइडेड बाय 54, और आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे है ना। अब मैं मान के चलता हूँ आपको डिवीजन आते हैं अच्छे से, तो फिर सॉल्व कर लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 83.3। मत करो मुझे दिखा दो, मुझे बोल दो, सबको दिखाई दे, वहां पर होने की मुझे दिखाई दे, इसलिए बोलो मुझे बता दो ओरली कि आपने क्या क्या है। हो गया x इक्वल टू
एक्स इंटू 15। 15 कहाँ से आ गया? 5050 सर। मेरी बात सुनो, चलो कर लो जैसे भी करना है। वो तो भेजू नहीं करो, करो सॉल्व करो। सॉल्व तो मैंने कर लिया है। आपका गलत हो गया ना, वो आपने 50 करके किया वो तो गलत हो गया, दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जी सर, मैंने लिखा सही है, लेकिन मैंने 54 को 2 से काटा है, 100 को भी 2 से काटा है। हाँ तो फिर क्या हो गया आपका? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 27। फिर क्या किया आपने? शायद मैंने किया है कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो फिर मैंने क्या किया, 27/45 कर लिया। 27/45 क्यों आ गया? 27/45 कैसे हो गया? इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, पहले 45 है वो, फिर 50 आएगा गलत। हो यहाँ पे देखो, ये इसको ऐसे x/50 ये पहले इसको लिखो बस क्लियरली। 27/45 ये क्या था? क्योंकि गलत है, गलत है, गलत है। हाँ तो ऐसे नहीं होगा, एक स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। अब वन बाय वन क्या होगा? या तो पहले 27 को आप भेजो या पहले 50 को भेजो, एक एक करके देंगे, एक एक करके, एक साथ दोनों मत भेजो, एक साथ एक एक करके भेजो। अगर 27 को आप भेजना है तो 27 उस साइड जाकर क्या होगा, ये वहाँ पर आएगा, खुद डिवाइड हो जाएगा। इसके नीचे 45 इसके नीचे नहीं आएगा, हमें x को अकेला करना है, तो x को अकेला करने के लिए x के साथ वालों को भेजना पड़ेगा उससे। हमें x को अकेला करना है, तो x को अकेला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ वाले नंबरों को क्या भेजना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, इनको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। जब क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। कैसे अपोजिट हो जाएंगे? अरे 45 तो यहाँ पर था ही ऐसा, ठीक है। 27 जो मल्टीप्लाई में था, जो मल्टीप्लाई में था, वो मल्टीप्लाई वाला तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, वो तो हो जाएगा डिवाइड में। और जो यहाँ पर डिवाइड में था, वो यहाँ पर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर x अकेला रह जाएगा, यहाँ पर x अकेला रह जाएगा। और जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 83.33333333। जब तक आपका मन करता चले तब तक आप देखते जाना, ये आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। तो जब भी ऐसे रिपीटेड नंबर आ जाते हैं, तो ऐसे रिपीटेड नंबरों को ना केवल दो प्लेस तक लिखा जाता है। तो ऐसे नंबरों को दो प्लेस तक लिखा जाता है, उसका फाइनल आंसर जो आप लिखोगे वो लिखा जाएगा 83.33। अभी कैलकुलेटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर लेना, घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप आंसर नोट कर लो कि आपका आंसर ये आएगा। नोट कर लिया? दो मिनट कर रही हूँ। सॉल्यूशन घर पे करना है, यहाँ पे बस नोट कर लो। तो लिख लिया मैंने। लिख लिया आपने? ठीक है, बहुत खूब। अब आपको बताइए कि सर एक क्वेश्चन हो गया तो फिर दूसरे क्वेश्चन का क्या करना है हमें? दूसरे क्वेश्चन का क्या करना है? होमवर्क देखो, पहले से लिखा हुआ है कि तो होमवर्क ही मिलना चाहिए, पहले से लिखा हुआ है। हाँ टीचर ने पहले बोल दिया होमवर्क करने। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आपने नोट करना तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने वाला हूँ इसको, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। सर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 252 इज 35% ऑफ अ सर्टेन नंबर, फाइंड द नंबर। सर सर्टेन नंबर मींस हम नंबर को एक्स मान लो, कोई भी एक्स मान लो, और वो नंबर से उस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो तो नंबर आपको फाइंड करना है। वो कह रहा है पहले तो कोई सर्टेन नंबर है, वो नंबर फाइंड कर दो। तो सर हम तो पहले x मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे x, तो इसको कैसे लिखा जाएगा सर, इसको कैसे लिखा जाएगा सर। लेट द नंबर बी x, इसको क्या मान लें, x मान लें, x मान लें इसको सर्टेन नंबर को।
तो इसको लिखा कैसे आएगा सर? 252 52 सर, इसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 35% का मतलब क्या होता है सर? 35 परसेंट, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और सर्टेन नंबर तो हमने एक्स मान लिया है, तो बिल्कुल अभी जो पिछले क्वेश्चन में जो बना था क्वेश्चन वैसे बन गया। मतलब वहां पे एक्स इस जगह पर था, वहां पर एक्स इस जगह पर था, इस जगह पर था, अब एक्स बगल में आ गया है। तो ये सॉल्व कर लोगे घर पे आराम से? इसका फाइनल आंसर लिख लो, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? मैं सॉल्व तो कर लूं, कर लूं नहीं सॉल्व घर पे करना, यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करोगे, अब इस सॉल्व में टाइम वेस्ट नहीं करना। 38 को मतलब 5 से दे दूं ना तो कोई आंसर में गलती तो नहीं आएगी? नहीं नहीं आपको आप सेम नंबर से करो, चाहे 5 से करो चाहे 7 से करो, लेकिन दोनों को सेम नंबरों से करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप अभी मैं सॉल्व करो। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लिखवा रहा हूँ आपको, एक्स की जो वैल्यू आपके पास आएगी होगी 720। घर पे उसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है। देख लो एक्स इक्वल टू 720, यहाँ पेंसिल से लिखो, यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखो 720। घर पर सॉल्व कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या होमवर्क में है। बेफालतू मैंने टाइम वेस्ट किया, ये बेसिकली आपको 6th 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कुछ नया नहीं था इनमें। इस तरह के क्वेश्चन आप 6th 7th क्लास में पढ़ चुके थे। हाँ या ना, पढ़े या नहीं पढ़े थे? या मैंने कुछ नया कराया है? कुछ भी नया नहीं था। अब कैटेगरी 2 तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कैटेगरी 2 में टाइम लगेगा। मैं कैटेगरी 3 करा रहा हूँ। कैटेगरी क्या करा रहा हूँ? 3, जो हमारा 10 मिनट में हो जाएगा, जो हमारा 10 मिनट में हो जाएगा। सर ये क्या बनाया है ट्रायंगल से? इस ट्रायंगल को बोलते हैं चेंज। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? चेंज, चेंज इन परसेंटेज। क्या चेंज इन परसेंटेज? जैसा आपने कभी पढ़ा था हाँ हाँ अच्छी बात है। अब जो मैं थर्ड कैटेगरी आपको कराने वाला हूँ सर, सेकंड तो कराएं, यहाँ सेकंड बाद में बताऊंगा क्योंकि सेकंड वाले में थोड़ा डिस्कशन लगेगा मुझे, ठीक है। तो मैं पहले थर्ड वाली करा रहा हूँ, और थर्ड वाली की हेडिंग क्या है? चेंज इन परसेंटेज। अभी नोट नहीं करनी आप, सुनो। तो चेंज इन परसेंटेज आप बताओ कि आपने कभी पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, या फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो? हमने सब कुछ पढ़ रखा है हाँ, ध्यान आ गया आपको सर। चेंज इन परसेंटेज नाम से तो बुक में कोई टॉपिक था नहीं, बुक में टॉपिक था वो इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज नाम से था। चेंज तो मैंने बोलता कि चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो चीज बढ़ेगी या चीज घटेगी। तो मैंने एक हेडिंग अपने मन से बनाकर आपको समझाया था कि चेंज परसेंटेज। बुक में तो चेंज परसेंटेज आपसे कुछ टॉपिक था नहीं, बुक में तो ये था इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज। अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एरर। व्हाट इज द एरर परसेंट? व्हाट इज द हाँ सर, एरर परसेंट। हाँ, तो एरर परसेंटेज वाले क्वेश्चन किसके अंदर आएंगे? इसी चेंज इन परसेंटेज के अंदर। इसी के अंदर क्या आएगा आपका एरर? इसी के अंदर आपका क्या आएगा? वो तो लास्ट में क्वेश्चन है, उसके सेंटेंस वाला क्वेश्चन। 2, 5, 10, 19, 20 सारे चेंजेस वाले क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन तो सी के ऊपर है। तो चेंज इन परसेंटेज क्या होता है? तो पहले मैं एक एग्जांपल ओरली समझाता हूँ, तब आपको बाद में इसका चीज दिखाऊंगा। चेंज इन परसेंटेज के लिए मैं 10th वाला क्वेश्चन लेता हूँ, एरर वाला। एरर वाला डिफिकल्ट है। नहीं, इसकी स्टोरी समझना है, स्टोरी। ये नहीं, ये बेकार है। तू वाला क्या नंबर है? हाँ वो कह रहा है, एक नंबर है, एक नंबर है जो किसी टाइम पर ना, या फिर इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे लेता हूँ मैं सर। कैसे बताऊँ मैं कोई एग्जांपल? ठीक है सर, एक टाइम की बात है, एक टाइम की बात है। मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहीं पर नोटिंग करा रखा मैंने, नोटिंग कहाँ पे, नोटिंग कहाँ पे, ये मैं यहाँ पर नोटिंग कर रहा था। मैं यहाँ पर एक स्टोरी ड्रॉ करता हूँ, आपको भी नोट नहीं करना, आपको भी नोट नहीं करना, आपको सुनना है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड नाम दे रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम है उस टॉपिक का? नाम चेंज इन परसेंटेज,
और आपके ऊपर को नाम दिया हुआ एरर है ना, एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज, ठीक है। एक टाइम की बात है, एग्जांपल है ना, एक टाइम की बात है सर। किस टाइम की बात है? 2011 की बात है। आप भेजो शॉपिंग पर, आप भेजो शॉपिंग पर, तो पसंद आए कौन से ड्रेस पसंद है? आप शॉपिंग पर गए थे, आप आपको ड्रेस पसंद आई थी, ठीक है। तो कौन सी ड्रेस पसंद आई थी? आपको कैसे ड्रेस पसंद आई, ठीक है, इनमें से कोई भी। सपोज करते हैं आपको व्हाइट वाली पसंद आई, ठीक है, आपको व्हाइट वाली सपोज, ठीक है, सपोज, ठीक है, सपोज करते हैं। और आपने इसका प्राइस देखा, इसका प्राइस था, इसका प्राइस था, टेन थाउजेंड लेट सपोज है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेशन एजम करने 10,000 की। आपको खरीदने का मन था, आपको खरीदने का बहुत मन था, आपको खरीदने का बहुत मन था, लेकिन आपने देखा था मेरी पॉकेट मनी तो इतनी है ही नहीं, मैं खरीदूँ कैसे, मेरी पॉकेट मनी तो इतनी है ही नहीं। फिर आपको आपके फ्रेंड ने भी एडवाइस दी कि ठीक है अभी नहीं, बाद में खरीद लियो, कौन सा जूस बढ़िया जो तू तो अभी पहनेगी, अभी तो पहनेगी तो बड़े लोगों के ड्रेस है, जब तू बड़ी होगी तभी तो पहनेगी। तो आपने कहा यही बात सही है, अभी मैं क्यों पैसे डालूँ, अभी तो वैसे मेरे को जरूरत है नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, अगर मैं तो खरीद भी लूँगी तो ये तो बड़े लोगों के ड्रेस है, जब मैं बड़ी होंगी तब पहन पाऊंगी। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, तब तक मैं थोड़ी सेविंग करती हूँ, जब तक मैं बड़ी होती हूँ तब तक मैं सेविंग करती हूँ। और ईयर आ गया आपका 2025, आपका ईयर आ गया 2025, आपको चाहिए 10,000 पीस। आपकी पॉकेट मनी इतनी घटी होगी, आपकी पॉकेट मनी इतनी घटी होगी सर, लॉकडाउन में पॉकेट मनी पीस तो जान ही रहते हैं, काफ़ी सेविंग। आपने सर पता है बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, आपने 1 लाख रुपीज सेव कर लिए, लेकिन जो ड्रेस की ना ड्रेस ड्रेस 10,000 करने पड़ेंगे। आपने कहा नहीं अंकल नहीं, मैं तो कुछ टाइम पहले आई थी, कुछ टाइम पहले आई थी तब आपने 10,000 रुपीज पैसे बताए थे मेरे को सब ये करने का। कुछ टाइम पहले कब आए थे आप, कब आपने बोला? मैं आई थी 10 साल पहले, 10 साल पहले मैं नहीं सीधे तब आई थी। सर सो 10 साल की बात तो क्या कहते हैं ये वाला प्राइस तो बढ़ा देगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो शॉपकीपर होता है क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल। तो शॉपकीपर ने कहा मैडम 10 साल पहले महंगाई कम थी, 10 साल पहले चीजें सस्ती मिलती थी, और 10 साल के टाइम पीरियड में बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं। आप जहाँ पहले 2 रुपए का पार्लेजी खाते थे उसके 10 पीसेस आते थे, अब वो भी 8 या 6 हो गए, महंगाई बढ़ गई। अच्छा कोई बात नहीं, आपका अगर कट रहा है तो आप वीडियो देखना, वीडियो में यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा उसमें समझ लेना। तो शॉपकीपर ने आपसे बोला कि मैडम काफ़ी महंगाई बढ़ गई, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। अब आपके दिमाग में आया कि यार 6th, 7th, 8th में मैंने चैप्टर पढ़ा था परसेंटेज वाला, क्या मैं दिमाग लगाऊं कि कितने परसेंटेज से महंगाई बढ़ी। अब आपके दिमाग आपने बोला मैं पता लगाऊं कि ये कितने परसेंटेज से महंगाई बढ़ी। सर आपने क्यों पता लगाना चाहा? आप घर पर गए, आपने घर पर मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे पसंद है ड्रेस पसंद आई थी 10 साल पहले, वो पहले 10 साल पहले 10,000 रुपये की थी, अब 10 साल हो तो 15,000 रुपये की हो गई है,
काफी महंगी हो गई है। मम्मी ने आपको टास्क दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं 15,000 रुपये दूंगी। आपने बोला मम्मी आप पैसे दोगे? आपके चेहरे पे स्माइल आ गई कि आपकी सेविंग था सारा सेव, आपने इतना सारा सेव किया था कि आपने सोचा कि आप अपने पैसे से खरीदोगे, अब आपको अपने पैसे से खरीदना नहीं पड़ेगा। आपकी मम्मी ने बोला कि मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मम्मी ने बोला एक कंडीशन है, मैं पैसा तभी दूंगी जब आप मेरे को एक चीज़ बताओगे। मम्मी ने बोला हाँ बताओ, मैं बता दूंगी, आप 15,000 रुपये तो दो मेरे को खरीदने के लिए। तो मम्मी ने बोला कि जाओ, आपने 6th 7th 8th क्लास में अपने सर से एक टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज वाला, तो मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ कि कितना चेंज हुआ है परसेंट। मम्मी ने बोला बताओ प्राइस में कितना चेंज आया। तो आपने बोला प्राइस में सर, प्राइस में तो मम्मी कितने का चेंज आया? प्राइस में तो चेंज आया 5,000 रुपीज़ का, 5,000 रुपीज़ का। मम्मी ने बोला नहीं, रुपीज़ के टर्म्स में मत बताओ, रुपीज़ के टर्म्स में मत बताओ, बताना है तो परसेंटेज के टर्म्स में बताओ, बताना है तो किसके टर्म्स में बताओ, परसेंटेज के टर्म्स में बताओ। आपको ये बताना है कि 10,000 से जो 15,000 अमाउंट हुआ है, 10,000 से जो 15,000 अमाउंट हुआ है तो परसेंटेज के टर्म्स में, रुपीज के टर्म्स में तो 5,000 रुपीज इंक्रीज हुए हैं, रुपीज के टर्म्स में तो 5,000 रुपीज इंक्रीज हुए हैं, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए, परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो कितने रुपीज इंक्रीज हुए हैं, परसेंटेज के टर्म्स में कितने रुपीज इंक्रीज हैं। इसको आपको, इसको आप कैसे पता लगाओगे, इसको आप कैसे पता लगाओगे? तो इसका फॉर्मूला होता है, चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो चेंज परसेंट को पढ़ो कैसे पढ़ा जाएगा, चेंज परसेंट को कैसे पढ़ोगे? चेंज यहाँ पे लिखो, चेंज यहाँ पे लिखो, चेंज इंक्रीज इन क्वांटिटी अपॉन इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी लिख सकते हैं, मैं भी चेंज बता रहा हूँ। चेंज को तो चेंज परसेंट को अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, तो यहाँ पे चेंज लिखो, चेंज लिखो, फिर ये परसेंट, परसेंट को कैसे बनाते हैं? चेंज का साइन आप ऐसे ट्रायंगल में क्यों बना रहे हैं? मेरे को शॉर्ट पड़ेगा लिखने के लिए, इसलिए मेरे को छह शॉर्ट इजी पड़ेगा इसलिए, तो मैंने लिखा ही नहीं। तो चेंज परसेंट तो आपको लगाना है ऐसे, लेकिन अब चेंज परसेंट को लिखने में तो समझ आएगा, बट आपको यहाँ पर परसेंट नहीं लगाना, आपको यहाँ पर परसेंट लिखना है। सर परसेंटेज नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है? फिर यहाँ पर आपको लिखना है, पता है क्या लिखना है? ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल मतलब ओल्ड अमाउंट, ओरिजिनल बोलो या फिर ओल्ड बोलो, क्या बोलो, ओरिजिनल या फिर ओल्ड अमाउंट, ओरिजिनल या फिर ओल्ड अमाउंट, ओरिजिनल बोलता ओल्ड बोलो, बात एक ही है, तो ओल्ड ही बोलिए, पुराना प्राइस देता है, तो चेंज अपन ओरिजिनल अमाउंट। और सर परसेंटेज के टर्म्स में पूछा है ना, परसेंटेज के टर्म्स में तो सर यहाँ पे ऊपर परसेंटेज लगा रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज लगा रहे हैं, यहाँ पे 100 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो 100, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा 100% है ना, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया था। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया था सर, अगर इंक्रीज हो रहा है तो सर यहाँ पर आप इंक्रीज वाली वैल्यू लिखना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाली वैल्यू लिखना, अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर आप डिक्रीज वाली वैल्यू लिखना, आपके पास आंसर मिल जाएगा। सर डिक्रीज वाली वैल्यू लिखोगे तो डिक्रीज परसेंटेज मिलेगा, इंक्रीज वाली वैल्यू लिखोगे तो फिर इंक्रीज परसेंटेज मिलेगा। इतना क्लियर है? आपने फॉर्मूला नोट कर लिया, आप चाहते हो एग्जांपल में नोट कर सकते हो, यहाँ पे शॉपिंग की बात की जा रही है, आप ये पूरा नोट कर सकते हो, सेकंड हेडिंग डालो चेंज इन परसेंटेज या फिर एरर परसेंटेज, या तो चेंज इन परसेंटेज एरर परसेंटेज कुछ भी हेडिंग डालो और ये नोट करो जो मैंने लिखवाया है। सिर्फ पूरा नोट करना है? हाँ
और इस वाले क्वेश्चन का अगर आंसर लिखा है तो कितना चेंज आया, चेंज यहाँ पर आया 5,000 रुपीज का, ओरिजिनल अमाउंट यानी पुराना अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज इंटू 100 सर, 30 से 30 कैंसिल किए, 10 से 10 कैंसिल किया, आपके पास आंसर आ गया 50%, 50% यानी आपकी ड्रेस की कॉस्ट में कितना चेंज आ गया, 50% चेंज आ गया, 50% चेंज आ गया, यानी आपकी कॉस्ट 50% महंगी हो गई, 50% महंगी हो गई। और ये वाला चेंज था, ये इंक्रीजमेंट था, ये क्या था इंक्रीजमेंट। नोट कर लिया, हेलो हेलो, अच्छा मैं आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी है ना, मैं आपको यूट्यूब पर ये प्रोवाइड करा दूंगा, 2 मिनट में आपको। लेट मी चेक, अगर हमारा हो जाए बहुत से रिमेनिंग पार्ट ऑन यूट्यूब है ना, आप रिमेनिंग पार्ट यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। तो बस अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ एरर वाला, फिर मैं आपकी वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब 2 मिनट रुको,
ठीक है अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ एल। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज बाय ओरिजिन नंबर ओल्ड नंबर, ठीक है। फिर आपको ये वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे क्या निकला है, इंक्रीज निकला है, डिक्रीज निकलेगा सर। डिक्रीज 3.6 था पर हमें 3.2 कर डाला, 3.6 था पर 3.26 था, चीजें कम हो गई थी। आप पहले से तो क्या निकला है, डिक्रीज परसेंट डिक्रीज। आएगा कितना आएगा, वो आपका आएगा 0.36 डिफरेंस आ जाएगा, 0.35 कर देना 800, तो आपका हो जाएगा 9.93। करना पड़ेगा तरीके के साथ, जिसमें चेंज नहीं आया उस समय आपको तब इग्नोर कर दो या तो इग्नोर ही कर दो कम्प्लीटली। अगर इग्नोर नहीं करना चाहते हो, अगर इग्नोर नहीं करना चाहते से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5, 8, 7। आपको नंबर गिर गया, आपको नंबर दर्द ये फिर गिर गया, ये छोटा नंबर है ना ये बड़ा नंबर हो गया, आपको नंबर को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो आपका नंबर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इंक्रीज परसेंट निकलेगा। तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए तो पहले आपको देखना पड़ेगा तो इसमें डिफरेंस कितना कितना चेंज आया, ये निकाल लेना, जो भी चेंज आए तो डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर कर देना। ओरिजिनल नंबर कौन सा आएगा, ये वाला 5, 7, 8 × 100 करके सॉल्व कर लेते हैं, 100 करके तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से 10th वाले भी आपके क्या होमवर्क में है, 10th वाले भी आपके होमवर्क में है।